हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज चुके हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले कि जो बिगनर्स होते हैं, जो लोग रील देख के, वीडियोस देख के स्टॉक मार्केट के फील्ड में एंटर होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को मैं एक चीज़ और सजेशन बताना चाहता हूँ कि देखो फ्रेंड्स, जो रियलिटी होती है ना वो अलग होती है, और जो एक्सपेक्टेशन होता है ना वो अलग होता है, ठीक है। जैसे कि हम दूसरों की वीडियो देखते हैं कि भाई ये स्टॉक मार्केट से इतना कमा रहा है, लाख रुपए कमा रहा है, 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो भाई उन लोगों का जो कमा रहे हैं वो लोग 10 लाख 1 लाख, तो उन लोगों के उतने साल की मेहनत होती है, 10 साल की, 5 साल की, 8 साल की, ऐसी मेहनत होती है उन लोगों की, तभी जाकर वो लोग इतना पैसा कमा पाते। इतना आसान नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में इतने जल्दी सक्सेस पाना, ठीक है। सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप जब भी डिग्री करो, कुछ भी चीज़ करो, तो आप लोगों को पहले तो सीखना पड़ता है ना, 3 से 4 साल सीखोगे, उसके बाद जाके आपको जॉब मिलता है, तब आप जाके पैसा कमाते हो। ऐसे नहीं कि आप तुरंत घुसे स्टॉक मार्केट में, रातों रात करोड़पति बनना है, ऐसा कभी नहीं होता और कहीं नहीं होता। आप जब भी देखो, पर मेरे को ये नहीं समझता कि अगर समझो आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो तो 5 साल, इंजीनियर के लिए 3 साल, बाकी अब 11th, मतलब हम जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, तो उसमें भी 10 साल का टाइम लगता है, ठीक है। तो लोग इतना 10 साल 5 साल लगा के पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, वो सब चीज़ सीखने के बाद ही कुछ उनको अचीव होता है। तो स्टॉक मार्केट में लोगों को क्यों जल्दी अमीर बनना है, मेरे को यही समझ नहीं आता है, ये माइंडसेट क्यों बिल्ड करके रखा है। तो देखो यही ना, इस चीज़ की वजह से बहुत लोग फंसते हैं और बहुत लोग डीमोटिवेट होते हैं, और उसकी वजह स्टॉक मार्केट को गलत चीज़ कहते हैं, स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है। ऐसा नहीं है। देखो फ्रेंड, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे लॉन्ग टर्म, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, अगर आप अच्छे स्टॉक पकड़ के इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट एक बेटर चीज़ है, ऑप्शन ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग गंदा है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी बढ़िया है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग को आपको सीखना पड़ेगा पूरा डीपली, एकदम डीप नॉलेज लेना पड़ेगा उसका, तभी उसमें कुछ आपको फ़ायदा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो भी है ना, एक्सपेक्टेशन दिलाते हैं कि आप इतना प्रॉफिट कर सकते हो, इतना कर सकते हो, तो देखो वो सब चीज़ों के पीछे अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को सिर्फ नॉलेज के पीछे पढ़ना है कि अपने को सीखना है हर एक चीज़ जो भी कर रहे हैं ना, अपने को ये चीज़ से सीखना है, तो सीखने पे फोकस करो, पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको तुरंत ही आपको पैसा कमाना है, आप जितना आप टाइम दोगे, जितना टाइम दोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसा मत घुसो डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आप जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सबसे पहले स्टॉक्स में ट्रेड करना सीखो। स्टॉक्स में भी ट्रेड करना इजी होता है, एक क्वांटिटी के साथ करो, कोई भी आप स्टॉक्स पकड़ो, अच्छा 500 रुपये का 600 रुपये का, वो एक क्वांटिटी पकड़ो, 50 से 60 पॉइंट कवर करो, 2-3 दिन लगेगा, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट आपको ये तो मालूम पड़ेगा ना कि स्टॉक मार्केट में काम कैसा होता है। लोग ना, जितने भी अभी आप देखोगे ना इन्फ्लुएंसर्स, मतलब मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, बट मेरा ये मोटिव नहीं है कि लोगों को प्रॉफिट देके अट्रैक्ट करना है, मेरे को ये मोटिव है कि लोगों को नॉलेज दो ना, अगर वो लोग को अपना नॉलेज काम आ रहा है तो लोग अपने को देखेंगे। मेरे को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरे प्रॉफिट देख के मेरे पास आ रहे हैं, मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो मेरा नॉलेज देख के, मेरे से सीखने के लिए जो भी है, मैं उनको सिखाने के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ। बट लोगों यहाँ कैसा है, उन लोगों का माइंड सेट ये कि नहीं, हमको ना पैसा कमाना है, सिर्फ सीखना नहीं है। तो सीखने पर जो लोग फोकस करेंगे ना, वो लोग 101% स्टॉक मार्केट में सक्सेस होंगे। बट आपको पता है स्टॉक मार्केट में 95% लोग ऐसे होते हैं कि उनको सीखना नहीं है, उनको सिर्फ पैसा कमाना है। तो बिना सीखे पैसा नहीं कमाया जा सकता, ऑप्शन ट्रेडिंग की रियलिटी यही है फ्रेंड। आप अगर अभी इंस्टाग्राम खोलोगे और चेक करोगे ना कि ट्रेडर्स, सिर्फ ट्रेडर्स डालोगे ना सर्च बार में, वहाँ पे आपको बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें से सभी के ज़्यादातर इसमें आप लोगों को प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रॉफिट दिखेंगे। तो प्रॉफिट से अट्रैक्ट मत हो, क्योंकि जो रियलिटी है और जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही अलग चीज़ होती है, बहुत ही अलग चीज़ होती है। और आपको ना, मत मैं आपको ना एक एग्जांपल ही देता हूँ मार्केट के वजह से कि अपनी लाइफ कैसे होती है, ठीक है। आपने देखा होगा मार्केट 75% साइडवेज होता है, 75% टाइम साइडवेज होता है मार्केट, तो अपनी लाइफ भी वैसे ही होती है फ्रेंड। अपनी लाइफ ना 75% साइडवेज होती है, ठीक है। और एक ऐसा दिन आता है कि वो साइडवेज जोन से मार्केट ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करके एक अच्छा मूवमेंट देता है अपसाइड, ठीक है। तो सेम अपनी लाइफ भी ना, जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हो या फिर कुछ मेहनत कर रहे हो ना, तो आपकी लाइफ अभी साइडवेज, आपको लग रहा है आप ऊपर जा रहे हो फिर नीचे आ रहे हो, आपको फिर से लग रहा है आप ऊपर जा रहे हो फिर नीचे आ रहे हो, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप ब्रेकआउट करते हो, वो जो साइडवेज जोन होता है ना, आप ब्रेकआउट करते हो अपने लाइफ में भी और अपने चार्ट्स पैटर्न में भी, सेम वैसे ही होता है। इसके लिए आप मेहनत करो,
मेहनत में सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और आप ज़्यादातर ये मत देखो कि इस भाई ने इतना पैसा कमाया, इसने इतना कमाया। आप सिर्फ नॉलेज पे फोकस करो और ज़्यादातर स्किल्स सीखो कि आपके आप खुद की स्ट्रेटजीज बनाओ, दूसरों की स्ट्रेटजीज पे मत काम करो। और पहले ज़्यादातर स्टॉक्स में ही ट्रेड किया करो, ऑप्शन ट्रेडिंग में मत एंटर करो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम, चल भाई।